नमस्ते दोस्त, फ्रेंड लोग। हाँ तो भाई, आज का ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि भाई जो भी न्यू ड्राइवर सऊदी आना चाहता है उसके लिए मैं ये वीडियो खास करके बनाता हूँ, क्योंकि उसको जानकारी पहुँचे ताकि वो समझे, थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा जाने कि हाँ भाई सही बात बोल रहा है। ठीक है दोस्त, तो अगर मेरे बात अच्छा लगेगा तो आप लाइक करो, नहीं लगेगा तो वीडियो मत देखो, अनसब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं बताता हूँ आज का इस वीडियो में क्या क्या बातें सऊदी का है जो इम्पोर्टेंट है भाई इंडिया से आने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीमेंट बना के आते हैं 2 साल के लिए। अगर आप ड्राइवर का काम में फर्स्ट टाइम न्यू आ रहे हो तो आपको 1400 रुपया यहाँ स्टार्टिंग है। अगर खा पी के आप कितना भी करोगे तो आपको 20,000 रुपया इंडिया का बच जाएगा। ठीक है दोस्त, तो खा पी के 20,000 रुपया आपको बचना ही बचना है। मिनिमम आपको कितना खा लीजिएगा महीने में, नहीं भी कुछ, मैं अपना बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू में आया तो हमको 1400 रुपया सैलरी मिल रहा था। हमको भी 5 महीना हुआ आके, 1400 मिला और हमको बचा कितना कितना बचा, 700 एक बार भेजा, 12,000 इंडिया का, एक बार फिर 12,000, उसके बाद 20,000। तो यही बात है, अभी 20,000 रुपया बच जाता है। और यहाँ पर जो है पानी सोचिए, अगर 1400 रुपया है तो 300 रुपया ही खाना है, 1100 रुपया रहेगा तभी इंडिया का 20,000 रुपया हो। अगर आप सुट्टा उट्टा मारते हैं तब तो फिर यहाँ का कोई फ़ायदा नहीं आपको, यहाँ पर आके सुट्टा मार रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सुट्टा 200 का यहाँ पे लीजिएगा, चार एक पैकेट रहता है 25 रियाल का। अब हमारा बात, हम अपना बात बोल रहे हैं, चावल लीजिएगा तो चावल 10 किलो चावल 50 रियाल का, कितना भी सस्ता वाला लीजिएगा तो 50 रियाल का आता है। तो इधर का 50 रियाल इंडिया का कितना हो गया जोड़ दीजिए, 18 रुपया 60 पैसा 50 पैसा चलता है इंडिया का। तो 5 का होता है मान लीजिए 80 रुपया, 70-80 रुपया होता है, तो 600-700 रुपया का 10 किलो चावल हो गया इंडिया का हिसाब बता रहे हैं। फिर 50 रुपया का चावल इधर का बता, 50 रुपया का चावल ले लिए, फिर मान लीजिए नाश्ता उस्ता करेंगे, चाय तय पियेंगे, वो हो गया, ठंडा उंडा नहीं पीजिएगा, ऐसे रहिएगा, फिर कभी चिकन विकन बनाइएगा, 300 रुपया खर्चा होता ही है। कितना भी आप बचाइएगा, पानी जो है पानी में ही आपको चला जाएगा 70-80 रुपये, 70-80 रियाल। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1200-1300 रुपया तो पानी में चला जाएगा इंडिया का, 1500 रुपया, क्योंकि हम जो है 18 लीटर वाला बोतल मंगाते हैं पानी का, तो उसमें जो है 8 रियाल का मिलता है, उधर दुकान बोलते हैं, उधर पीने के लिए, नहाने के लिए तो फ्री में आता है पानी, तो वो पानी आप पी नहीं सकते हैं। वो पानी क्या है, उसमें कचरा रहता है, मस्जिद में भी मिलता है कहीं कहीं, फिल्टर लगा होता है लेकिन फिल्टर में से पानी उतना अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए सब लोग जो है वो कोई कोई तो वकाला से 2 रुपये में भी मिलता है यहाँ पे पानी, टैंकर में आता है तो वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, तो यही भाई लोग आओ, 1400 रुपया अगर है तो आपको कि बचा के सुट्टा उट्टा अगर नहीं मारते हो तो 20,000 रुपया बच जाएगा भाई इंडिया का खा पी के। ठीक है, और यहाँ पे एसी देगा, रहने के लिए देता है, घर कैसा होता है, घर एक इतना जैसे हम रहते हैं इसमें थोड़ा घर रहता है, रहने उने के लिए बेड उड है, फ्रिज रहेगा उसी में, फ्रिज है उधर बाजू में, उसके बाद जो है एसी रहेगा, बेड रहेगा, सही है। मोबाइल नहीं है तो आपको मोबाइल भी, अगर आप मोबाइल ला रहे हैं इंडिया से आ रहे हैं नए ड्राइवर, और मोबाइल बोलिए कपिल को कि वो पूछेगा मोबाइल है, आप बोलिएगा कि हाँ है तो मोबाइल नहीं देगा, जैसे बोलिएगा कि नहीं है तो मोबाइल हो सकता है अच्छा कपिल रहता है तो दे भी देता है, अच्छा मालिक इधर कपिल बोलता है मालिक को, तो मोबाइल भी दे देता है। और काम का बात बोलते हैं तो काम में क्या है कि आपको जो है काम करना पड़ता है, हाउस ड्राइवर में काम क्या, अभी फ़ोन करेगा तो अभी जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या होता है हाउस ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर में क्या है, तो आप घर भर रहिए, जैसे यहाँ पर
बाहर घूम सकते हैं। आईडी यहाँ का एकामा बोलता है, आईडी है हमारे पास, एकामा है तो आप घूम सकते हैं, उतना टेंशन नहीं है, पुलिस पुलिस नहीं पकड़ता है, समझे। और आईडी उडी नहीं है तो यही है समस्या है, पकड़ेगा, ठीक है। तो आइए, तो कपिल को कभी मोबाइल मत दिखाइए कि हाँ हमारे पास मोबाइल है, नहीं तो मोबाइल भी देता है, कितना अच्छा आदमी रहता है, यही बात है। और तो देख लीजिए यहाँ पर जो है कि आलू कितना होगा बताइए, ये है कितना है ये आलू, मतलब 1 किलो 400 ग्राम, 1.5 किलो, ये देखिए दिखा देते हैं, ये देखिए 6 रियाल का है, 6 रियाल 72 पैसा, 27 पैसा, 6 रियाल 27 पैसा, ये देखिए पांडा मॉल है वहाँ से लिए हैं, देखिए 1.5 किलो आलू मान लीजिए 6 रियाल का है तो इंडिया का कितना हो गया, तो नहीं है कुछ हो तो हमको लग रहा है 6 का हो गया 80 रुपया हो गया, 1.5 किलो आलू 80 रुपया का सऊदी में, अपना इंडिया का हिसाब जोड़िएगा। तो मॉल से देखिए एक चीज और लाए हैं, दिखा देते हैं ये देखिए कितने का है, इसमें एक बॉक्स ही हम ले लिए, ऑफर लगा था सस्ते का, तुम बोले ला भाई कभी कभी, तो ये है 40 रियाल का, 600 रुपये इंडिया का है भाई, इसमें 5 का एक है तो 8 पैकेट है, मैगी है, ओके। तो यही सब भाई, इधर 300 रुपये इसके लिए रखना ही पड़ता है, ठीक है दोस्त। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, पानी का बोतल तो बता ही दिया 8 रियाल में मिलता है, समझ गए, तो अपना इंडिया का हिसाब जोड़िएगा तो बहुत हो जाता है, इधर 8 रुपये अगर ये जोड़िएगा तो अपना इंडिया का 6 रुपये मिल जाएगा इंडिया में, यहाँ भी 6 रुपये लेकिन यही रेट ज़्यादा है, देख रहे हैं आलू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और कुछ सऊदी की जानकारी आपको देंगे, ओके, तब तक।